नमस्कार साथियों और साथियों, टेकी सब्जी चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर आपको ड्राइंग टीचर से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती आ रही है। उसी कड़ी में कुछ आज हम समाचार पत्रों में जो न्यूज प्रकाशित की गई है उन पर डिस्कस करेंगे और आगे क्या किया जा सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कंडीशनिंग जो है, कंडीशनल जो ज्वाइनिंग है, क्या वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिल सकती है, इस पर भी बात करेंगे और दूसरी बातों पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो राहत मिली है वो अविस्मरणीय है और ये ऐतिहासिक भी है, क्योंकि रिव्यू पिटीशंस काफ़ी कम ही ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट होते हैं और ओपन कोर्ट में आ जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, इसके लिए सभी साथियों का और जो भी टीम लीडर्स लगे हुए हैं उन सभी का बहुत बड़ा अभिनंदन है। आप सभी भी अपनी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। तो यहाँ पर जो था एक ब्रीफ हम देख लेते हैं, कुछ नए साथी भी इसको देख रहे होंगे, कि जो रिव्यू पिटीशन डली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, अब उसके लिए ओपन हियरिंग हो जाएगी और वो मई की डेट जो टेंटेटिव है वो डेट भी उसमें शो कर रही है, लेकिन वो अभी कंप्यूटर जनरेटेड है, फाइनल डेट अभी वो हम उसको नहीं कह सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर जारी किया था तो उसका काफ़ी बुरा असर इन सभी डिप्लोमाधारी कैंडिडेट्स के ऊपर पड़ा, जो कि लगभग 20,000 है और उनकी रोजी रोटी छीनने का भी अवसर आ गया, क्योंकि बहुत सारे केवी में, दिल्ली में और गेस्ट टीचर एसएससी में काफ़ी टीचर्स लगे हैं, प्राइवेट में लगे हुए हैं और यहाँ पर तो 80% जो नई वैकेंसी जनरेट की गई थी 816 में वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से इतने परिवारों का भरण पोषण पे जो संकट आया था वो अब लगभग छटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये केस अवश्य ही अब केयूके के हाथ में है और इस वजह से कंडीशनिंग जो कंडीशनल ज्वाइनिंग है उसकी मांग अब ये अभ्यर्थी कर रहे हैं और बातें हैं और करनी भी चाहिए उनको, उनका हक है, क्योंकि ये जो भर्ती है वो 5 महीने में कंप्लीट करनी चाहिए थी, लेकिन इतने अड़चन, इतने ज़्यादा कुछ लालची तत्वों ने अपने मुनाफे की वजह से इतने केसेस उस पर करा दिए कि बस पूछो नहीं, और जो मुद्दा था वो भटक गया और इतनी डिले हो गई। तो 5 महीने में कंप्लीशन होनी चाहिए थी और आप बताइए कितने महीने हो गए हैं, पुराने भी हटा दिए गए, उनका उनमें से बहुत सारे अभी नए में भी सिलेक्शन है तो उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। तो जो पुराने हैं वो भी, जो सिलेक्टेड हैं वो भी अपनी तरफ से इसमें केस दायर कर सकते हैं कि हमने इसमें पूरा का पूरा किया है और हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, तो कंडीशनिंग जो है हमारी ज्वाइनिंग में दे दी जानी चाहिए। जो भी इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहेगा उस कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर आप हमें ज्वाइन करा दीजिए, आपका हटाने का तो कभी भी आप हमें हटा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ी हैं, आप सभी अपने कमेंट्स जरूर बताइए ताकि सभी का पता चले कि आपके क्या है, आपके आप भी काफ़ी बुद्धिजीवी हैं सभी और आपके कमेंट्स में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल रहेगा, गवर्नमेंट के रोल को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हम देखें तो वो शुरू से ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के साथ रही है और वो लेकिन एक ठप्पा चाहते हैं प्रोसेस में कि कोर्ट के माध्यम से कुछ ऐसा हो जाए ताकि उन पर कुछ ना गिरे, क्योंकि पुराना जो राजनीतिक भविष्य है टीचर्स भर्ती के लिए काफ़ी बुरा रहा है, तो कोई भी सरकार नहीं चाह रही कि इस तरह से हो, लेकिन उन्होंने हेल्प की है, दुष्यंत चौटाला जी, मनोहर लाल खट्टर जी एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने इसमें इनडायरेक्टली यहाँ पे हेल्प की है और रोका भी है उन्होंने कि जो भर्ती हैं वो जो लो मेरिट के जो केसेस थे ITI के वो ज्वाइन ना कर पाए, क्योंकि उनको भी लगता था कि ये केस अब ओपन होगा, उनके विश्वास के बाद ही ये सारा का सारा आगे काम हुआ है और उन्होंने एफिडेविट वगैरह भी दिए हैं और हाई कोर्ट में, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी भी चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो एक संगठन है, जो भी संगठन है 650 के करीब उसमें
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो कि बिल्कुल करंट में हैं। इसके अलावा गेस्ट टीचर एसएससी टीचर्स हैं, तो 1000 के करीब लगभग ये इतने कैंडिडेट्स हैं कि अगर कहीं पे भी जाएं तो एक मेला सा दिखाई दे सकता है। और वहाँ सरकार इस पर विचार कर सकती है कि ये इतनी भर्ती जो डिले हुई है उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें किया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस तो लंबे ही लंबे चलते जाएंगे और इसका कुछ पता नहीं है। अगर वो ये कह सकते हैं कि इतने लंबे केसेस में तो उनकी जो एज है वही ख़त्म हो जाएगी, वो फिर जॉब कैसे कर पाएंगे और जो एक मानसिक प्रताड़ना है वो कैसे कर पाएंगे, उसको सहन कैसे कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इन सभी को बैठ करके आप सभी बात कर सकते हैं और अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। और ये सारी बातें कर करके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले जो छात्र हैं उन्होंने असंभव को संभव बनाया है। और अगर उनका नेतृत्व अच्छे प्रकार से संगठित होकर के, मैं ये कहूँगा कि संगठित होकर के अगर चलता है और उसमें कोई फूट नहीं पड़ती है, सबसे बड़ी बात है फूट की, क्योंकि कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन उनका मैं मानना चाहता हूँ कि मनभेद नहीं है, मतभेद हैं बातों के, कुछ अपनी और केसेस की इंफॉर्मेशन के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस कंडीशन में अगर ये केस किसी भी तरीके से निकलता है तो वो बहुत ही बुरा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स रखे जा सकते हैं, बच्चों का पॉइंट्स रखा जा सकता है कोर्ट के अंदर कि बच्चों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि को हरियाणा सरकार की तरफ से अभी जैसे स्कूल सारे ओपन हो चुके हैं और बच्चे आ गए हैं और उनको एक जैसे पूरे देश में हैप्पीनेस का एक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, और ड्राइंग से बड़ा हैप्पीनेस कौन दे सकता है, आप सभी भी जानते हैं क्योंकि आप इसके टीचर हैं। तो हैप्पीनेस सभी से ज़्यादा ड्राइंग टीचर ही दे पाता है, बच्चे सारे रिलैक्स रहते हैं, तो इतने अधिक अध्यापकों की कमी को दूर कैसे करेंगे। तो ये ऐसे ही है कि इनको कंडीशनिंग जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाए और जो केस है वो चलता रहेगा, काम करेंगे उसके आधार पर उनको वेतन मिलेगा और डिप्लोमा आगे होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है कि कौन सा डिप्लोमा अदर यूनिवर्सिटीज़ का वैलिड है हरियाणा में या नहीं। इसके साथ साथ हमारा रोहतक यूनिवर्सिटी भी ये डिसाइड करती है, तो दोनों ने ही इसको वैलिड माना है और ITI के समकक्ष माना है कि उसके बिल्कुल बराबर इन्होंने काम किया है, बल्कि उससे बड़ा ही है ये डिप्लोमा है। तो ये सारी चीज़ें अगर रखी जाए गवर्नमेंट के सामने और संगठित होकर के अपने MLA और MPs काउंसलर्स आदि से मिला जाए तो एक पॉजिटिव माहौल जरूर बनाना चाहिए चारों तरफ, कि जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया था कि डिप्लोमा करने वाले नकारा हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका तो घर बैठे ही डिप्लोमा आ गया, इस तरह की बातें जो समाज में चलती हैं वो नेगेटिव ना चले और सभी जो आम जनता है वो भी अपने MLAs को कहे कि नहीं, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इनको लगना ही चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी A1 यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कहीं भी वो टक्कर में नहीं आते प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो ये सारी बातें जब कलेक्टिवली चलेंगी तब ही यहाँ पर काम चलेगा, अदरवाइज ये फिर डिले इसमें होता रहेगा। तो साथियों अपने कमेंट्स जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।